लोग कमेंट करते हो कि भाई वैसे आपकी लिस्ट टॉप लेवल की होती है, अब हमें इनमें से भी बेस्ट चाहिए। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए 10 दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड आईएमडीबी रेटिंग मूवीज का पार्ट 1, जिसमें बोनस मूवीज भी अवेलेबल होंगी। तो भाई इस वीडियो सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के पार्ट में 8 आईएमडीबी रेटिंग से कम का मूवी को जगह नहीं मिलेगी। तो भरोसा रखो भाई, सिर्फ बेस्ट ही होगी। तो भाई इसके सेकेंड पार्ट के लिए टारगेट है भाई सिर्फ 2K लाइक का। आपके एक लाइक करने से नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। आज आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, आपका मन हो तभी करना, सिर्फ एक लाइक आज कर दो। नंबर 7 की मूवी भाई उस टाइम पे कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा दिया था, इस लेवल की फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखकर, जिसने 4 ऑस्कर अवार्ड जिसके 4th पार्ट 2021 में रिलीज किया गया, 1999 की साइफाई एक्शन के साथ द मैट्रिक्स। बता दे ये मूवी हर किसी के लिए नहीं, आप सोचो जिस दुनिया में आप हो वो रियल है ही नहीं, जिसे कंप्यूटर की मशीनों ने बनाया है। ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या आप रियल दुनिया में हो या नहीं, क्या सच में कोई रियल दुनिया है या फिर कोई सिमुलेशन। अगर है भी तो अब इंसान कहाँ है, वो तो भाई आप मूवी में देख कर एक्सपीरियंस करो। और यकीन मानो इसके कॉन्सेप्ट आपको सरप्राइज करेगी। एक्शन सीन तो पूछो मत, आज भी इसके कुछ एक्शन सीन फ्यूचरिस्टिक है। ऐसी मास्टरपीस मूवी को मिस नहीं करते। इसके सारे पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी, अगर आप अपने लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम से तंग आ चुके हैं और आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भरकर फील गुड वाला एक्सपीरियंस कराए, तो ये मूवी आपके लिए। टोटल 6 ऑस्कर अवार्ड विनिंग रोमांस ड्रामा 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ फॉरेस्ट गम। स्टोरी एक ऐसे ही कम बुद्धि का इंसान जो अपने पिछले बीते हुए कुछ सालों को याद करता है, अपने पूरे लाइफ की जर्नी को याद करता है, जिसमें हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती है। मूवी की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है टॉम हैंक्स की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये मूवी हमें सिखा जाती है चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने आप पे भरोसा करना। ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी को हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो देखनी ही चाहिए। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी लोग ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहते हैं, ये मूवी जीता जागता प्रूफ है। वो कहते हैं ना बाप बाप होता है, ये डायलॉग मूवी को 100% जस्टिस करती है। हम बात करें 1972 की क्राइम ड्रामा सिद्धा 9.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द गॉडफादर। आज तक जितनी भी पॉपुलर क्राइम ड्रामा माफिया पे बेस्ट टीवी सीरीज बनी, कहीं ना कहीं इस मूवी से इंस्पायर्ड जरूर है। मूवी पुरानी जरूर है भाई, पर ओल्ड इज गोल्ड है, जिसमें टोटल 3 मूवी रिलीज हो चुकी है और सारे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी उन मूवी में से है जो पूरी मूवी में आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। मूवी खत्म होने को है, ना ही स्टोरी का पता और ना ही कॉन्सेप्ट का, लेकिन भाई इसके क्लाइमेक्स एकदम से जज्बात बदल देती है। इनफैक्ट इसके ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा सकती है। हम बात करें 1999 की 8.8 आईएमडीबी रेटिंग ड्रामा थ्रिलर के साथ फाइट क्लब। जब उस मूवी को देखने के बाद भाई उस मूवी से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद जब मूवी क्लाइमेक्स में खरी उतरती है ना, तो वो मूवी टॉप पे चली जाती है। बस भाई स्टार्टिंग से पेशेंस रखकर क्लाइमेक्स तक रुकना आपको पूरी तरह से शॉक कर सकती है। जिसे तुम दोस्त समझ रहे हो वो तो भाई आगे नहीं स्पॉइलर हो जाएगा, आप मूवी में एक्सपीरियंस करो, टॉप लेवल की एक्टिंग देखने को मिलेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी 22 साल पुरानी है, पर आज तक इस लेवल की वार फैंटेसी एक्शन मूवी ना बनी। उस टाइम पे भाई इस लेवल की सिनेमेटोग्राफी के इस लेवल की वार एक्शन मूवी बनाना कोई आम बात नहीं। हम बात कर रहे हैं जिसने वर्ल्ड हाईएस्ट ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर रखी है, जिसने लगभग हर एक कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीत रखे हैं। 2001 से 2003 तक टोटल 3 मूवी का कलेक्शन 8.8 आईएमडीबी रेटिंग एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ द लॉर्ड ऑफ रिंग फिल्म सीरीज। ऐसी मूवी के बारे में क्या बताएं भाई, जिसने ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में टोटल 17 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर रखी हो, तो सोच लीजिए मूवी किस लेवल की बनी होगी। हर एक चीज आपको परफेक्ट और हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिलेंगी, चाहे इसके स्टोरी लाइन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, हर एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस हो, हर एक चीज टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलेगी। ऐसी आप हाई बजट मूवी को एक्सपीरियंस तो करो, जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। भाई इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एम सिर्फ 2K लाइक का है, आपके एक लाइक से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 मूवी आप कंटेंट की दुनिया में चाहे कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, ये मूवी उनमें से है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में ये मूवी समझ में आ जाए, जिसे समझने के लिए आपके दिमाग की कैपेसिटी को हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर समझना होगा। एक तो इतनी खतरनाक कॉन्सेप्ट, सपने में सपने के अंदर सपने, गजब का भाई दिमाग की पूरी तरह से दही निकाल दे। जी हाँ भाई, हम बात करें 2010 की साइफाई एक्शन 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन। I don't know.
अपने दिमाग को दही करना चाहते हैं तो एक बार इस मूवी को जरूर देख लेना, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। नंबर 3 की मूवी भाई गर्व से सीना फूल जाता है जब हमारी इंडिया की कंटेंट IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पे टॉप 10 दुनिया की हाईएस्ट IMDb रेटिंग मूवी की लिस्ट में ट्रेंड कर रही हो। तो जी हाँ भाई, हम बात करें साउथ इंडियन मूवी 2021 की लीगल ड्रामा मिस्ट्री सिद्धा 8.8 IMDb रेटिंग के साथ। ऐसी मास्टरपीस मूवी के बारे में बताने के लिए भाई दुनिया की कोई भी सब छोटी पड़ जाएगी। क्या ही मूवी है यार, मूवी छोड़ो क्या ही इमोशंस है यार, कई जगह पर आप खड़े होकर रो देंगे। इस लेवल पे ये मूवी आपको हिट करेगी। स्टोरी कुछ आदिवासियों की है जिन्हें पुलिस पकड़ कर जेल में डाल देती है और उन्हें बेरहमी और हैवानियत तरीके से पीट कर उस जुर्म को कबूलने के लिए कहती है जो उन्होंने किया ही नहीं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूले कैसे साहब। इस बीच एक लाचार और बेबस आदिवासी औरत अपने पति को बचाने के लिए लड़ती है और जिस तरह से लड़ती है भाई, इनकी बेबसी और लाचारी देखकर आप कई बार रो देंगे। और दिल दहला देने वाली बात भाई, इसके एक एक सीन ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जिसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मेरा बस चलता तो इस मूवी को 10-12 ऑस्कर अवार्ड दे देता। ऐसी मूवी को हर एक किसी को देखनी चाहिए। दिल से सैल्यूट है भाई ऐसे वकील को। मूवी प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी 30 साल पुरानी है लेकिन इसे आज भी देख लो, 10 साल बाद भी देख लो, इवन 100 साल के बाद भी इस मूवी को देखोगे ना तो भाई इतना ही इम्पैक्टफुल होगा। क्या ही मूवी बनाई है भाई, बिना कोई मिर्च मसाला, एकदम टू द पॉइंट, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, एक सच्ची घटना पे आधारित। इतनी इम्पैक्टफुल कैसे बनाई जाती है इस मूवी में देखो। हम बात करें ऑस्कर विनिंग मूवी 1993 बायोग्राफी हिस्ट्री ड्रामा के साथ सिंडलर्स लिस्ट। स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैसे उस नर्क से बदतर की दुनिया में एक जर्मन बिजनेसमैन हजारों जूस की जान बचाई थी और जिस तरह से इस मूवी में क्रूरता दिखाई है भाई, एक एक सीन ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, वो देखकर आपका दिल दहल सा जाएगा। और जिस तरह से हमारे सामने रखा है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक बार जरूर देखिएगा भाई। इसके सेकंड पार्ट के लिए इस वीडियो में टारगेट सिर्फ 2K लाइक का कर दो, आपके एक लाइक से वीडियो जल्द ही आएगा। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई, इनकी कैरेक्टर की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम होगी। हीट लेजर एज अ जोकर ये कैरेक्टर भाई फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। 2008 की क्राइम एक्शन एडवेंचर सीधा 9 IMDb रेटिंग के साथ द डार्क नाइट। अभी तक आपने ऐसी मूवी को मिस किए हैं तो भाई आपने क्या किया। हीट लेजर वो शख्स है भाई जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया, पर दुख की बात है उसे लेने के लिए वो खुद ही जिंदा नहीं थे। पर कोई नहीं, उनकी जोकर की कैरेक्टर हम ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। ऐसी मास्टरपीस मूवी को मिस नहीं करते भाई। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए, नहीं देखे तो आपके एक लाइक से वीडियो जल्द ही आएगा भाई। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो में एम है सिर्फ 2K लाइक का। नंबर 1 की मूवी दुनिया की हाईएस्ट रेटेड IMDb रेटिंग मूवी क्यों है भाई, इसके क्लाइमेक्स आपको बतलाएंगे। 1994 की क्राइम ड्रामा वर्ल्ड हाईएस्ट 9.3 IMDb रेटिंग के साथ द शॉशैंक रिडेम्पशन। क्या बताएं भाई इस मूवी के बारे में जिसने IMDb रेटिंग पे सबसे टॉप पे जगह बना रखी है। बस इतना जान लीजिए ये मूवी आपके लाइफ के कई बड़े बड़े लेसन सिखा जाएंगे। 40 साल जेल में रहने के बाद ना भाई कोई अपना ना होगा, आप बूढ़े हो चुके होंगे, ना ही कोई उम्मीद होगी। इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जेल ही आपका अपना घर जैसा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ना भाई कैरेक्टर की एक्टिंग में इतना दम है कि एंड तक आते आते आप भी 10 out of 10 रेट करोगे। मूवी 29 साल पुरानी है लेकिन आज भी IMDb रेटिंग पे ट्रेंड कर रही है, टॉप पे है, तो क्या इतना काफी नहीं है मूवी को देखने के लिए। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जाते हुए इस वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा ए मैसिव 2K लाइक का। और डाउनलोड लिंक के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।